वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, हमने दो पट्टियाँ उतार ली हैं, सवा एक इंच की एक पट्टी है, तो इसकी लेंथ जो है 16 इंच की है तकरीबन। तो एक पट्टी को हमने दूसरे कपड़े के ऊपर प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद एक जो एक पट्टी रह गई है उसका हमने दरमियान कर लिया है। दरमियान करने के बाद इसको हमने इस तरह फोल्ड करके इसका दरमियान कर लेना है। और 2 इंच आपने इस जो दरमियान किया है यहाँ पर रख के आपने 4 इंच तक निशान लगा लेने। निशान लगाने के बाद आपने 1-2 पॉइंट इसकी लेंथ बना देनी है। यहाँ से आपने कटिंग कर देनी है, आपने टेढ़ी कटिंग करनी है। ये निशान वगैरह लगा के आपने यहाँ से कटिंग कर दी। तो एक पीस हमने निकाल दिया। इसी तरह ही हमने यहाँ पर टुकड़ियाँ 2 बनानी हैं 3। इसकी आपने जगह जो है बराबर कर लेनी है। निशान वगैरह लगा के यहाँ से यहाँ पर आपने ये कोना बनाना है। यहाँ पर भी आपने एक कोना बना लिया। एक साइड से आपने हल्का सा लंबा कर लेना। इसी तरह ही दूसरे कोने को भी आपने एक साइड से लंबा कर। सबसे पहले आपने एक कोना निकालना है, उसके बाद आपने ये जो लाइन लगाई है इसको आपने कट वगैरह लगा दें। एक कोना भी आपने निकाल लेना है। इसके बाद आपने ये जो कट है ये तकरीबन कोने की शक्ल में आपने बराबर कर इस तरह से। अब हमने इसको प्रेस वगैरह कर दिया। इस पट्टी को अब हमने प्रेस वगैरह कर देना है। और ये जो हमने कोने वगैरह निकाले हैं इनको भी आपने यहाँ पर रख के प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने ये कपड़ा जो है साइड से उतार लेना है। ये जो कोने बने हुए हैं यहाँ पर आपने काट वगैरह लगा लेने हैं और इनको आपने कुकरम पट्टी के ऊपर प्रेस कर देना। बिल्कुल आपने आराम के साथ इनको प्रेस करना है। ये बहुत ही खूबसूरत और उम्दा डिज़ाइन है। आप इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये जो हमने कोना बनाया है इनका भी आपने ये कुकरम जो है कुकरम के साथ साथ कपड़ा उतार देना। ये जो हमने कपड़ा छोड़ा है इनको आपने कट लगा के ये जो कोने पर कट बना हुआ है इसको आपने यहाँ पर कट लगा देना है और इसको ऊपर इसके प्रेस कर देना। कपड़ा है ये आपने बुकरम पट्टी के ऊपर प्रेस कर देना है अच्छी तरह। इस तरह से ये
कौन शक्ल में जो हमने कपड़ा रखा हुआ है बुकम का, इसको इसके ऊपर भी आपने ये कपड़ा बेस्ट कर देना जी। प्यारे भाइयों, ये हमने पट्टी को काट वगैरह बना दिए हैं सब, ये इसको प्रेस कर दिया है। आपको जो कलर अच्छा लगे आपने उसके ऊपर प्रेस करना है। तो ये एक पट्टी हमने इसके नीचे रख दिया और एक पट्टी जो है हमने इसके ऊपर रख दिया है। इसको हमने सबसे पहले बराबर कर लेना है, फिर एक साइड से हमने सिलाई लगानी है। ये हमने एक साइड से हमने इसको सिलाई वगैरह लगा दी है। सिलाई का जो टांका है वो आपने छोटा कर लेना है जब आपने कट वगैरह के ऊपर सिलाई वगैरह लगानी है। ये हमने एक साइड की सिलाई लगा दी है, हमने इसी तरह ही ये दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले आपने ऊपर और नीचे वाली पट्टी को बिल्कुल बराबर कर लेना है, सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सिलाई वगैरह लगानी है। इसी तरह ही हमने दूसरे कट पर भी सिलाई लगा देना है। पट्टी को आपने ऊपर और नीचे वाली को बिल्कुल सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई वगैरह लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमने यहाँ से पीस उतारे थे, कट वगैरह तकोन वगैरह उतारी थी, वो आपने यहाँ पर इस तरह लगानी है। इस तरह लगानी है जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। इतनी जगह छोड़ के एक साइड से और दूसरी साइड से ज़्यादा जगह छोड़नी है आपने, तो इसको आपने यहाँ पर लगा देना। इसी तरह ही आपने दूसरा काट जो है वो मुकम्मल करना है। इसके बाद आपने सेम कलर के कपड़े की या दूसरे किसी कपड़े की मगजी वगैरह पैपिंग वगैरह आपने निकाल देनी है। जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप निकाल सकते। इसी तरह ही हमने मगजी वगैरह निकाल दिया है, पैपिंग वगैरह निकाल दिया है दोनों साइडों से। तो इसके बाद हमने पानी वगैरह लगा के इसको सीधा कर लेना है। पहले आपने एक साइड को सीधा करना है, उसके बाद आपने दूसरी साइड को सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपने जिस तरह पट्टी वगैरह बनाते हो जिस तरह पट्टी वगैरह बना लेनी है। आपने उल्टा इसको रख के इसके ऊपर पानी वगैरह का छिड़काव करके इसको सीधा कर लेना है, बिल्कुल सीधा। पट्टियाँ लगाने के बाद आपने जो कपड़ा या बुकरम इस पट्टी के साथ आता, हमने जो वीडियो बनाई वो मुकम्मल हो चुकी है। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।